स्वागत है आप सभी का अध्ययन केंद्र में। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम एसपीडी के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। यह आपका 19वां सीरीज है जिसमें जो जनरल साइंस के प्रश्न हैं वो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ आपका, स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए व्यवहार में लाया जाता है, उसमें हम करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल कौन से खाद्य पदार्थ में होता है? तो वो होता है टमाटर में। याद रखना, प्रश्न ऐसे आएगा कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड होता है, और उसी का प्रयोग हम करते हैं स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए। अब ऐसा नहीं कि स्याही को धब्बे मिटाने के लिए टमाटर घसना शुरू कर देना, राइट? उसके लिए याद रखो बस ऑक्जेलिक एसिड है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, वो होता है 36 × 10^5 जूल। 36 × 10^5 जूल होता है 1 किलो वाट पर आवर, ठीक ना? घर का जो मीन्स विद्युत, घर का मीटर जो होता है वो किस पे काम करता है? हम 1 kWh ही आपका आंसर होगा, ऐसे ही टिक करना होता है। प्रश्न बनता है ऐसा, तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालन का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? फिर से रिपीट करते हैं इस प्रश्न को। देखो, जब तापमान में वृद्धि होगा तो किसी भी धात्विक चालन का प्रतिरोध बढ़ जाएगा, लेकिन अगर अर्धचालक रहेगा, राइट, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब इस दोनों में अंतर क्या है? प्रतिरोध जब बढ़ रहा है, ठीक, तो उसका जो चालकता होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक रास्ता है, इस पे कुछ गुंडे बदमाश हैं, ठीक ना, लुटेरा है, तो लुटेरा का संख्या जितना बढ़ेगा, इसमें आने वाले यात्री की संख्या पे क्या होगा? कमी होगा। गुंडा जितना कम होगा, यात्री की संख्या में वृद्धि होगा। सेम वैसा ही प्रश्न है कि ये एक वायर है, प्रतिरोध का आप मानो गुंडा है, ठीक ना, तो जितना प्रतिरोध बढ़ेगा इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? कम जाएगा। तो अगर तापमान में वृद्धि होगा तो धात्विक चालन का विशिष्ट प्रतिरोध में क्या होगा? कम होगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिंपल चालक रहता तब क्या होता? प्रतिरोध भी बढ़ जाता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है, वो होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज वोल्ट में कितना होता है? 220 वोल्ट से 240 वोल्ट घर के लिए। बड़े बड़े उद्योग में 440 वोल्ट होता है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को, ट्रांसफार्मर वोल्टेज को अप एंड डाउन करता है, यानी तो डाउन और अप करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता। इसको क्लियर रखो, बहुत बार ये प्रश्न आता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मैट्रिक यूनिट है ऑस्ट्रेड। ऑस्ट्रेड प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा। पिछले वाले वीडियो में हमने कहा था कि या तो विद्युत ऊर्जा का इकाई पूछ दे, या घर में लगने वाला विद्युत मीटर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मेजर करता है, तो वहाँ भी आपको किलोवाट पर आवर ही, किलोवाट घंटा ही होता है, यानी तो आपको ऑप्शन में KWh लिखा रहेगा, तो इस पर टिक करना होगा। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। नाम से ही क्लियर है, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होगा? आधा होगा। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। और 46 में 45 जो होता है वो सबका सेम होता है, राइट? एक जो होता है लास्ट वाला, लास्ट को ऐसे दो, उससे लिंग का निर्धारण होता है, जिसमें कि पुरुषों में क्या होता है XY और महिलाओं में क्या होता है XX, ठीक, ये आपको याद रखना होगा। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी मानव में? 46, ये भी इंपॉर्टेंट है। अक्रिय गैस हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। याद रखना, कभी भी अक्रिय गैस होगा उसके बाह्यतम कक्षा में या तो 2 या 8 होगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। एकल स्ट्रेटेड वाले DNA अणु कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज में, फिर से रिपीट करते हैं इसको, एकल स्ट्रेटेड वाले DNA अणु कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरियोफेज में। बैक्टीरियोफेज में डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग हुआ था? नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग डायनामाइट के बनाने में किया गया था। डायनामाइट को किसने बनाया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। ऊर्जा का उत्पत्ति कैसे होता है? ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है? हमारा रेड ब्लड सेल मीन्स लाल खून क्या करता है? ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। लाल खून का काम ही क्या है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना। बिल्डिंग बनाने में किस गैस के मिश्रण, सॉरी बिल्डिंग है ये,
वेल्डिंग बनाने में किस गैस के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ये पहले वाले वीडियो में भी था, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। सबसे हल्का गैस कौन सा है? हीलियम, हीलियम। कहीं कहीं आपको हाइड्रोजन भी मिलेगा, तो हाइड्रोजन पे टिक करना। किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देख सके? तो क्या होना चाहिए? करीब आधा होना चाहिए, जितना आपका हाइट होगा उससे आधे हाइट के दर्पण में आप क्या कर सकते हो, अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हो। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, मीन्स परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? 10⁻¹। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है यूरेनियम काल की निर्धारण पद्धति पे, मीन्स यूरेनियम डेटिंग से, यूरेनियम डेटिंग से। इससे संबंधित प्रश्न आपके हर वीडियो में आ रहा है, तो अगर आप पीछे से देख रहे हो तो आपको याद होगा। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सिलिकन, सिलिकन। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से क्या होती है? दूर होती है। उसमें कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल। एक प्रश्न तो यही आता है कि हेली धूमकेतु जो है इसका पूंछ सूर्य के हमेशा किधर रहेगा, सूर्य के नज़दीक या सूर्य से दूर? तो सूर्य से दूर रहेगा। पर सूर्य से दूर क्यों रहेगा? क्योंकि उसमें अपकेंद्री बल लगता है। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, मीन्स सबसे कम होती है? तो कांच में, मीन्स आप ऐसे याद रखो कि सबसे अधिक किस में होगा? निर्वात में, उसके बाद गैस में, फिर द्रव्य में और फिर ठोस में। सबसे कम होता है ठोस में, मीन्स न्यूनतम होगा ठोस में, और सबसे अधिक किस में होगा? निर्वात में। ध्वनि का इसका अपोजिट होता है, ध्वनि सबसे तेज़ी से किस में करेगा? ठोस में, और सबसे कम निर्वात में। अब है एस्कर्विक एसिड है, विटामिन सी को खाया जाता है एस्कर्विक एसिड। एस्कर्विक एसिड सबसे अधिक किस में होता है? आंवला में, आंवला। विद्युत मोटर या एसी का आविष्कारक है, एसी के आविष्कारक है मीन्स विद्युत मोटर के, निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? कैरेट में, तभी तो है 24 कैरेट, ठीक ना। स्वर्ण की शुद्धता, सबसे शुद्ध सोना। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। यह आसान सा प्रश्न था। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? एनोड में। फिर से रिपीट करते हैं, जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ संचित होता है? एनोड पर, एनोड। तांबा, चांदी, एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य कौन सा होता है? सबसे तन डक्टाइल कौन सा होता है? सोना ही होता है, सोना। सीमेंट, बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है मोर्टर। जो मसाला होता है ना, उसे इंग्लिश में ये टर्म है मोर्टर, मोर्टर। मोर्टर मीन्स मसाला होता है। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र कौन सा है? सोनार। सोनार से हम समुद्र के अंदर तक का स्थिति मीन्स दूरी पता कर लेते हैं। लेजर पर आधारित होता है ये। किस संचयन संचयक सेल में क्या संचित होता है? मीन्स बैटरी में मेनली कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। वो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियाँ किस क्रम में संयोजित होती है? मीन्स उसका जो वायरिंग होता है वो किस प्रकार होता है? समांतर क्रम में होता है, ये इम्पोर्टेंट है, समांतर क्रम में। लेजर द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब 3D पेंटिंग को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है हेलोग्राम, हेलोग्राम। कार्बन, पीतल, एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ कौन सा होता है? एरोजेल, एरोजेल। ये आपको अगर प्रेडिक्टेबल से सी जाते तभी आप ऐसे प्रश्न को बना पाओगे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। ध्वनि तरंग के डैश से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, परावर्तन से उत्पन्न होता है। इसके लिए दूरी कितना है? 11 मीटर, कहीं कहीं आपको 17 मीटर भी आजकल मिल रहा है, ठीक ना। तो वैसे ठीक कर दें 11 मीटर पे। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? देखो यहाँ पे क्या है, चालक है, चालक में क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। अर्धचालक होगा तब क्या होता? प्रतिरोध घट जाएगा। एक प्रश्न पहले देखे हुए थे, इस टाइप के प्रश्न में गलती नहीं करना, इस चालक पे फोकस करना। चालक अगर तापक्रम बढ़ रहा है तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अर्धचालक या कुछ और यहाँ पे लगा दे तब प्रतिरोध घट जाएगा। रेडियो तरंग का चाल होता है, रेडियो तरंग का होता है
जितना साउंड का स्पीड होता है 3 × 10⁻¹ m/s। सोल्डर किसका मिश्र धातु है? SN+PB, SN+PB। हवा का बुलबुला कार्य करता है, हवा का बुलबुला होता है अवतल लेंस जैसे, इसको याद रखना, हवा का बुलबुला कैसा होता है? अवतल लेंस। अगर आपको ये याद नहीं करोगे तो एग्जाम में गलती कर लोगे, उत्तल पे टिक कर दोगे। हवा का बुलबुला कैसा होगा? अवतल लेंस जैसा। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? डिप्थीरिया प्रभावित करता है श्वसन नली को, श्वास नली को। मार्स गैस कौन सा होता है? मीथेन होता है, मीथेन, मीथेन। मार्स में होता है दलदल, ठीक है ना, कीचड़। और मीथेन गैस कहाँ से निकलता है? कीचड़ से, इसलिए इसको मार्स गैस कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक कौन सा होता है? SO2, SO2। विद्युत सेल स्रोत है विद्युत ऊर्जा का, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है? भिंडी, भिंडी की एक प्रजाति है वर्षा उपहार। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी में अधिकता होती है माउंट मेलाडो नाइट्रेट की, माउंट मेलाडो नाइट्रेट की कपास में मीन्स उपजाऊ में वो हेल्प करता है। मोनोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए होता है? गैसों का दाब, गैस पे कितना दाब है, प्रेशर है, उसको मापते हैं मोनोमीटर से। कैलोरी उष्मा की इकाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उष्मा की इकाई क्या है? कैलोरी। जो शहरी क्षेत्र में रहेंगे उनको चाहिए 2200 कैलोरी, और जो ग्रामीण एरिया में है उसको चाहिए 2400 कैलोरी, ठीक ना, याद रखिएगा इसको। आंशिक रूप से पानी में डूबे हुए सीधी छड़ को झुकी हुई मालूम पड़ता है। मैंने कहा था जब भी आपका साइज का इम्पैक्ट आ रहा है, मीन्स किसी बाल्टीन में क्या है, सीधा छड़ डाले लेकिन वो टीढ़ा टेढ़ा दिख रहा है पानी के कारण, तो वो क्या हो रहा है? अपवर्तन, मीन्स रिफ्रैक्शन। सूर्य सुबह में बड़ा दिख रहा है, क्यों? रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, जहाँ भी साइज का इम्पैक्ट हो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। विद्युत चुंबक बना होता है मृदु लोहे का, सॉफ्ट आयरन का, और साथ ही निकेल कोबाल्ट, इसका भी हम लोग चुंबक बनाते हैं। केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर निर्धारित करता है, ये है ब्रोमीन और पारा। इसका प्रयोग हम मेनली कहाँ करते हैं? थर्मामीटर में करते हैं, इसी के कारण, क्योंकि ये तापक्रम पर द्रवित अवस्था में होता है, इन सिंपल टेम्परेचर पे ही, ठीक ना। पारा का जमरकड़ी कहते हैं, ब्रोमीन। एक प्रश्न और आता है, ये तो सिंपल थर्मामीटर जो होगा, जो हम लोग घर में यूज करते हैं थर्मामीटर, उसमें हम पारे का प्रयोग करते हैं, लेकिन जहाँ निम्न टेम्परेचर है, जैसे मान लो -40 डिग्री टेम्परेचर मापना होगा, तो वहाँ पे हम पारे का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे होता है अल्कोहल होता है उसमें, अल्कोहल, उस पर टिक करना। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन होता है 1/1000 mm, ठीक ना, तो 0.001 mm। पृथ्वी की वायुमंडलीय में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन 78%, 78%। ऑक्सीजन कितना है? 21%। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, NaOH। RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंधित है? रक्तदान से, रक्तदान से, मीन्स रक्त किसी को डोनेट करना होगा, उसमें RH फैक्टर मायने रखता है। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाए तो उसका आवर्धन काल क्या हो जाता है? आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा, मीन्स आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, दोगुना होता है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो ये था इस वीडियो का एंड, टोटल 50 प्रश्न आज भी कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आ रहा हो तो डिसलाइक भी कीजिए, पर कारण जरूर बताइएगा ताकि हम वीडियो को इम्प्रूव कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।